तो और दोस्तों, क्या हाल चाल यार? अब जानता हूँ काफ़ी दिनों से कोई वीडियो नहीं आई है यार, उसके लिए दिल से सॉरी। एक्चुअली मैं रैंक पुश के चक्कर में बिजी हो गया था, और तुम्हें तो पता ही है रैंक पुश के लिए कितना सेफ खेलना पड़ता है, और सेफ गेम प्ले किसी को पसंद भी नहीं आता। तो सज्जनों और सज्जनियों, तुम्हारा यार लेके आ चुका है गोची गोली। अब ये जिसे गोची गोली के बारे में नहीं पता, भाई ये एक ऐसी गोली है जो तुम्हारे रोम रोम रोमांचित कर देगा, फिर तुम्हें ऐसा लगेगा कि अपुनिच भगवान है। इस वीडियो में आप बनोगे देव मानुष। किसका? पबजी का। कैसे? हम सिखाएंगे कि एमिंग कैसे करें। मतलब हम किसे कह रहे हो बे, मतलब मुझे तो आता है, तुम्हें सिखा रहा हूँ इम्प्रूवमेंट कैसे करें। देखो, कोई ऐसी वीडियो नहीं है 5-10-15 मिनट की, कोई ऐसी वीडियो नहीं है जिसको देख करके तुम जो हो सराउड के पापा बन जाओगे, ठीक है। हाँ, तो एम परफेक्ट करने के सिर्फ दो ही तरीके हैं। एक कि उसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए कि एक्चुअली में वो होती क्या है, और दूसरी प्रैक्टिस। तो कुल मिला के चलिए शुरू करते हैं। पबजी में दो टाइप की एमिंग होती है, एक होती है एडीएस और दूसरी होती है नॉन एडीएस। अब ये दोनों विचित्र चरित्र प्राणी होते हैं जो आपके सामने प्लस का साइन बनाता है, जिसको आप प्यार से क्रॉस एयर कहते हैं। जब हम उस क्रॉस एयर को यूज़ करके फायर करते हैं तो उसे कहते हैं नॉन एडीएस, और जब हम स्कोप ओपन करके किसी को फायर करते हैं उसे कहते हैं एडीएस। अब एडीएस में तीन चीज़ आती हैं, एक आयरन साइट जो गन पे ऑलरेडी बनी हुई आती है, दूसरी होती है रेड डॉट और हॉलो साइट जो अलग से लगाई जाती है गन के ऊपर, और तीसरी आती है हमारे स्कोप, जैसे कि 2x, 3x और उसके एक्स परिवार। तो अब बात करते हैं कि एम को परफेक्ट कैसे करते हैं। देखो, उसके लिए आपको तीन चीज़ों में इंप्रूवमेंट लानी पड़ेगी। सबसे पहली स्पॉटिंग एंड रिफ्लेक्स, दूसरी सेंसिटिविटी, और तीसरी क्रॉस एयर प्लेसमेंट। देखो दोस्तों, स्पॉटिंग और जो सेंसिटिविटी है इसके बारे में मैं कभी और बात करूंगा किसी और वीडियो में, क्योंकि देखो ये एक अलग टॉपिक है और बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इस वीडियो में अगर मैं बताने लगा तो ये वीडियो आधे घंटे से ज़्यादा की हो जाएगी, जो कि मैं नहीं चाहता, क्योंकि आप बोर हो जाओगे, समझ रहे हो। तो मैं थोड़ा थोड़ा बता दूंगा आपको इस बारे में। देखो, स्पॉटिंग का मतलब होता है एनिमी की पोजीशन का पता लगाना। अब इसका एडवांटेज है कि अगर आपने किसी एनिमी को पहले देखा तो आपके पास मौका होगा, आप पहले उसके ऊपर गोली चलाओगे। अब पबजी में इतिहास गवाह है कि जो पहले गोली चलाता है वही जीतता है, लेकिन 90% केसेस में। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की। तो डिसएडवांटेज ज़्यादा कुछ नहीं, जस्ट इतना ही है कि अगर आपका एनिमी पहले आपको स्पॉट करता है तो वो पहले गोली चलाएगा। अब बात करते हैं सेंसिटिविटी के बारे में। सेंसिटिविटी एक ऐसी चीज़ है जो आपके क्रॉसेयर को मूव करने में आपकी हेल्प करता है। लॉन्ग रेंज और मिड रेंज में आपको सेंसिटिविटी कम रखनी चाहिए, और शॉर्ट रेंज में आपको सेंसिटिविटी थोड़ी ज़्यादा रखनी चाहिए। अगर आपकी सेंसिटिविटी लो या मीडियम पे है तो आप लॉन्ग रेंज और मिड रेंज में बढ़िया परफॉर्म कर तो सकते हो, बट वहीं अगर वही सेंसिटिविटी आपके शॉर्ट रेंज में आती है तो आप धरे के धरे रह जाओगे, बंदा आएगा आपको पेटी बना के चला जाएगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपकी सेंसिटिविटी लो या मीडियम पे है तो उसको हाई पे सेट कर लो, क्योंकि इससे क्या होगा, इसको आपको लॉन्ग और मिड रेंज में तो हेल्प मिले ही मिलेगी, साथ ही साथ क्लोज कॉल कॉम्बैट में भी आपको बहुत सही हेल्प मिलेगी। अब शुरू शुरू में एक आध गेम आपको लगेंगे कि हाँ अजीब से हैं, बट जब आपको आदत पड़ जाएगी तब सब एकदम सेट हो जाएगा। इन दोनों टॉपिक पर मैं बाद में एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। अरे हाँ, मैं आपको रिफ्लेक्स के बारे में तो बताना ही भूल गया। देखो, रिफ्लेक्स एक ऐसी चीज़ है कि आप एनिमी को देखने के बाद उस पर फायर करने के लिए अपनी फिंगर्स को कितनी तेज मूव करते हो, इसे कहते हैं रिफ्लेक्स। अब बात करें पबजी की, तो पबजी में आपको रिफ्लेक्स बहुत जल्दी चाहिए होता है, लेकिन पबजी एक ऐसा गेम है जिसमें आपका रिफ्लेक्स इंप्रूव इतनी आसानी से नहीं होगा, क्योंकि ये एक स्लोमो गेम है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको अपना रिफ्लेक्स फास्ट करना है तो स्टैंड ऑफ टू या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी का TDM मैच खेलें, क्योंकि उसमें एक्शन बहुत जल्दी है, तो आपका रिफ्लेक्स बहुत जल्दी इंप्रूव हो सकता है। अब फाइनली बात करते हैं अपने एम को इंप्रूव कैसे करें। देखो, इसके लिए तुमको चाहिए अपना क्रॉस एयर प्लेसमेंट कैसे करें। देखो, क्रॉस एयर प्लेसमेंट जो है आपके आई लेवल पर होना चाहिए हमेशा। देखो, कई प्लेयर के साथ कैसा होता है कि वो भागने लगते हैं, स्प्रिंट करते हैं, तो उनका क्रॉस एयर जमीन की तरफ चला जाता है। इससे क्या होता है कि अगर सामने कोई एनिमी आया तो आपको पहले अपना क्रॉस एयर वर्टिकली ऊपर लेकर आना पड़ेगा, फिर हॉरिजेंटली उस एनिमी के बॉडी पे सेट करना पड़ेगा, देन आप फायर करोगे। इसमें क्या होता है कि इसमें टाइम लगता है, जिसकी वजह से आप अपने एनिमी को मौका दे रहे हो, वो आपके ऊपर पहले फायर कर सकता है, समझ रहे हो। तो आपका जो क्रॉस एयर प्लेसमेंट है हमेशा आपके आई लेवल पे होना चाहिए, और जितनी देर में आप एम करके एनिमी के ऊपर फायर करोगे उतनी देर में वो आपकी पेटी बना देगा। तो सबसे ईजी तरीका है, आप अपने क्रॉस एयर को अपने आई लेवल पर रखो। उससे क्या होगा कि अगर आपके सामने कोई एनिमी आता है तो आपको सिर्फ अपनी क्रॉसेयर को हॉरिजॉन्टली सेट करना होगा और देन फायर। तो इससे आपके पास एक एडवांटेज होगी कि आप पहले फायर करोगे।
अब बात करते हैं कि अगर आप किसी घर में एंटर कर रहे हो तो आपका क्रॉसवे पोजीशन क्या होना चाहिए। तो इसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि पबजी में जो कैरेक्टर है उसकी हाइट क्या है। तो अगर आप घर में घुसते टाइम उस कैरेक्टर की इमेज माइंड में रखते हुए उसके चेस्ट के ऊपर अगर क्रॉसवे रख के एंटर कर रहे हो, तो अगर वो कहीं पे TPP ले रहा होगा और आप घुसते हो तो आप फायर करोगे तो वो गोलियाँ उसके चेस्ट पर लगेंगी। एक बात तो ये हो गई, अगर एग्जैक्ट उसी जगह पे वो एनिमी क्राउच करके बैठा है तो वो गोलियां उसके हेड पे लगेंगी, और वहीं अगर वो जंप कर रहा होगा तो वो गोलियां उसके पैरों पे लगेंगी, तो कहीं ना कहीं आप उसको डैमेज दोगे। और सबसे बड़ी बात, जब भी आप किसी घर के अंदर घुसो तो घर का हर एक कोना चेक करो, क्योंकि एनिमी कहीं भी हो सकता है। ओके, अब ये तो हो गई क्लोज कॉल कॉम्बैट की बातें, अब बात करते हैं लॉन्ग रेंज और मिड रेंज के बारे में। कई बार प्लेयरों से गलती ये हो जाती है कि वो गलत गन का यूज़ कर लेते हैं मिड और लॉन्ग रेंज में। वो AR का यूज़ मिड और लॉन्ग रेंज में कर लेते हैं, मिड और लॉन्ग में आपको सिंगल टैप का फायर यूज़ करना होता है। अगर आपके 70-80% गोली एनिमी के हिट कर रहा है सिंगल टैप में, देन आप जाएं बर्स्ट के लिए। देन अगर वो भी इसी तरह 70-80% उसके हिट कर रही है एनिमी के, देन आप ऑटो मोड पे जाएं। इससे क्या होगा, आपकी एमिंग भी सुधरेगी और साथ ही साथ आपको स्प्रे करना भी आएगा लॉन्ग रेंज मिड रेंज में, जो कि इतना इजी नहीं है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। एक और बात, कई बार लोग क्या करते हैं कि वो दूर किसी एनिमी को देखते हैं और डायरेक्ट अपना स्कोप ऑन कर देते हैं, और फिर उनको लगता है कि हमारा एनिमी कहाँ गया, वो स्कोप ऑन करके ढूंढते रहते हैं चारों तरफ। ये गलत है। क्या करना होता है कि जैसे आपको दूर कोई एनिमी दिखा तो आपका जो प्लस साइन होता है यानी कि जो क्रॉस एयर होता है, आपको उस क्रॉस एयर को एनिमी के जितने क्लोज हो सके उतने क्लोज रखना है, देन अपना स्कोप ऑन करोगे तो आपको वो एनिमी आपके स्कोप के अंदर दिखेगा, देन आप उसको आराम से हिट फायर दे सकते हो। दोस्तों ये कोई ऐसी वीडियो तो नहीं है जिसको देखकर आप बिल्कुल एम गॉड बन जाओगे या समथिंग लाइक दैट। हाँ, आपको थोड़ी बहुत एमिंग के बारे में इंफॉर्मेशन और कैसे एम इम्प्रूव करना है उसकी जानकारी तो मिली गई होगी। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो, और क्या बचाई क्या जिंदगी में, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अब एंड में एक छोटा सा मोंटाज है, उसे देख लो, क्योंकि गेम प्ले के बिना तो कोई वीडियो कंप्लीट होती नहीं है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।